फ्रेंड्स, आज मैंने ये क्रिस्पी कॉर्न चीज़ बॉल्स बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही सिंपल, इजी और एब्सोल्युटली बहुत यमी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक बुक। मैं हूँ आभा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न चीज़ बॉल्स की रेसिपी। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। चलिए आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है। इसमें मैंने उबले हुए आलू, जो कि मैंने उबाल कर छील कर ग्रेट कर लिए हैं, ये नाप के हिसाब से मैंने ये 3 कप आलू उबले हुए लिए हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये स्वीट कॉर्न लिया हुआ है 1 कप। और अब हम इसमें 3-4 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देते हैं, साथ में 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी मैं इसमें ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई ले लेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर डाला है इसमें, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं और साथ ही में 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया हुआ है। और अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ये सब बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा डो बन गया है। अब हम इसमें चीज़ बॉल्स बना रहे हैं तो इसको मैं चीज़ दिखा रही हूँ। ये मैंने मोज़रेला प्लस शेडर चीज़ लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो केवल मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब चीज़ बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा टुकड़ा इसमें से लिया और उसको हाथों में दबा कर ये बीच में मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देती हूँ। चीज़ डालकर इस तरीके से ये आलू को ऊपर से बिल्कुल ढक देते हैं और हाथों से हल्का सा प्रेस करके सर्कल सर्कल में बना के इस तरीके से जैसे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये मैंने रख दिया। इस तरीके से हम सारे चीज़ बॉल्स रेडी करेंगे। इस तरीके से बीच में हम चीज़ डाल देते हैं और इसका डिप अब हम तैयार करेंगे। डिप तैयार करने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसमें इसका डिप तैयार करती हूँ। इसमें इकट्ठा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसमें स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दे रही हूँ और इसको फिर से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। अब हम सारे बॉल्स जो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं अंदर चीज़ भर कर, वो हम इस डिप में डालेंगे। एक एक करके इस तरीके से डिप में डालेंगे। उसके साथ ही एक बाउल में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में इसको चारों तरफ से इसको लपेट देंगे। ये देखिए, इस ब्रेड क्रम्स चारों तरफ हो गया है। दूसरा मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से डिप में डालेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और दूसरे हाथ से ये चारों तरफ से इसको रैप कर देंगे। ये चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग गया है। इस तरीके से हम सारे चीज़ बॉल्स को अपने डिप में डालकर ब्रेड क्रम्स में लगाकर इसको प्लेट में रख देंगे। और जब हमारा ये सारा ये इस तरीके से प्रोसेस रेडी हो जाएगा, तब ये मैंने सारे में ब्रेड क्रम्स लगा दिया। अब हम इसको 20 से 30 मिनट तक इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। उसके बाद इसको हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा ये बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं होना चाहिए। चीज़ बॉल्स के लिए हमारा तेल मीडियम हीट पर ही होना चाहिए। एक एक करके हम ये कॉर्न चीज़ बॉल्स इसमें डाल देते हैं। चीज़ बॉल्स को तलने के लिए तेल बहुत गर्म नहीं रखना है, नहीं तो ये जो हमारा ब्रेड क्रम्स ऊपर से चिपका हुआ है ये तुरंत डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये बहुत क्रिस्पी नहीं हो पाएगा और ये जल भी जाएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे हमेशा इसको रखना है। इसको चारों तरफ से इस तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल डीप फ्राई अच्छे से कर लेना है। इसका कलर बहुत सुंदर आ गया है। अब बिल्कुल ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक एक करके इसको निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हम अपने बाकी कॉर्न चीज़ बॉल्स भी इसमें डालकर फ्राई करके निकाल लेते हैं। जब ये सारे चीज़ बॉल्स रेडी हो जाएंगे तब हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी ये चीज़ बॉल्स रेडी हो गए हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।